बीएससी पार्ट फर्स्ट बोला यूनिट नंबर दो चैप्टर नंबर तीन सेकंड सी एक्सरसाइज से तात्पर्य है। दूसरा चैप्टर है जिसमें तीसरा चैप्टर खत्म होने का कगार पे आज लगभग ये फिनिश है। उसका डी भी मैं करवा दूंगा पूरा अगले वीडियो में, तो पूरा अपन समेट देंगे। जो भी दो चार क्वेश्चन बढ़िया बचेंगे उनको क्या है कि अपन अच्छी तरह से खत्म कर सकते हैं आज ही, और लगभग एक वीडियो और बनेगा उसके बाद एक समरी का बना दूंगा। उसमें भी क्या सभी तरह के प्रश्न रेंडमली आपके सामने लिख दूंगा जो कराए हुए हैं। कुछ समीकरण पहले भी आपको आज से स्टार्ट कर दूंगा, कहने का मतलब ये है इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी, ताकि अपन रिकॉल करके एक दो वीडियो में और गोले का पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद में इसमें शंकु थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा। शंकु में तीन चैप्टर ए बी और सी, तो कम से कम ए और बी तो अपन कर ही लेंगे, तो गोला पूरा चार चैप्टर हो गया और दो चैप्टर उसके हो गए, कुल में सात में से छह कर लेते हो। सात में से अगर छह पूरे कर लेते हो तो अपना काम बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाता है। तो ये काम अपन करने जा रहे हैं सी और डी का जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन अगला उसी प्रकार से है। इस पर समतल का चैप्टर है तो अपन उसी को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु दो दो एक से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो। जो कि निम्न गोले को बिंदु करो जो कि निम्न गोले को बिंदु 001 पर स्पर्श करता है और गोला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का टू जेड माइनस का तीन बराबर जीरो। तो वही आपने अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया होगा, एक तरह का रिवीजन भी है, एक तरह का टेस्ट भी है, और एक तरह का क्या है कि अनसॉल्व क्वेश्चन की भरमार भी दे रहा हूं। कई स्टूडेंट की भारी डिमांड ये थी कि हमें भी क्या है कि कोई वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करने को दें, तो वो भी आपके सामने अवेलेबल है। बिंदु दो दो एक से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण याद करना है जो कि निम्न गोले को बिंदु 001 पर स्पर्श करता है। इस गोले को अपन स्पर्श करवा देंगे और ऊपर वाले बिंदु से गुजार देंगे, उससे लैम्डा का मान आएगा, उस मान को वापस रख देंगे तो गोले का समीकरण मिल जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा करने की चेष्टा करो, 10 से 15 सेकंड के बाद इसका मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करवा रहा हूं। बिंदु दो दो एक से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको लास्ट में पुट करेंगे तो ये तो हट गया। उस गोले का समीकरण याद करना जो कि गोले को बिंदु 001 पर स्पर्श करता है। तो गोले का समीकरण आपके पास ये दिया हुआ है, तो आपने निकालना है समतल का समीकरण। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड माइनस का तीन बराबर जीरो के बिंदु 001 पर स्पर्श समतल का समीकरण अपन ढूंढ लेंगे। वो भविष्य में जाकर क्या बनेगा, समतल का समीकरण बनेगा। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू एक्स वन पुट करना है, वाई स्क्वायर में वाई इंटू वाई वन है, जेड इंटू जेड वन है, प्लस एक्स प्लस एक्स वन बटा दो है, प्लस का वाई प्लस वाई वन बटा दो है, प्लस का जेड प्लस जेड वन है, और माइनस का तीन बराबर जीरो। और आपसे चेक कर लो, ये हमारे पास क्या है कि सभी तरह की फॉर्मुलेशन के लिए हमने क्या किया था, पर समतल का समीकरण बहुत बार मैंने बोर्ड पर बताया हुआ है, उसी का फॉर्मूला बार बार रिपीट है। फॉर्मूला क्या है कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा जाएगा, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, जेड स्क्वायर की जगह जेड जेड वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बटा दो है, वाई की जगह वाई प्लस वाई वन बटा दो है, और जेड में टू लिखा हुआ था यहाँ, तो जेड प्लस जेड वन बटा दो, दो से दो कैंसिल हो गया, माइनस का तीन बराबर जीरो। तो इस प्रकार कोई भी समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, इसमें x1, y1, z1 का
वैल्यू पुट कर देते हैं तो बिंदु क्या दिया हुआ है, 001 है, तो 000 इसमें 001 इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा जेड प्लस एक्स प्लस एक्स वन बटा दो, तो एक्स बटा दो आ गया, प्लस का वाई बटा दो आ गया, प्लस का जेड प्लस एक आ गया, माइनस का 3 = 0 है। आराम से चेक कर लेना, ये बन जाएगा 2z + x + y + 2z + 2 - 6 = 0 है। 2 LCM ले लेना, यहाँ पर बन जाएगा x + y + 4z, 2 में से 4 गया तो माइनस का 4 = 0, 2 में से 6 गया तो ये अपना क्या बन जाता है, समतल का समीकरण बन जाता है। इस पर समतल अपना ये बन जाएगा x + y + 4z - 4 = 0। आराम से चेक कर लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन को वहीं पर जड़ से खत्म करना जो भी समस्या बन रही है। क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले तो आपने इस पर समतल का फॉर्मूला लिख दिया x(x1, y(y1, z(z1) और इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया, 0 लिखोगे तो दोनों 0 में कन्वर्ट हो गए। z1 का मान कितना है, 1 है, x + x1/2 का मतलब x/2 आ गया, y/2 आ गया, z+1 आ गया, माइनस का 3 आ गया, 2 LCM लेंगे, ये कितना बन जाएगा, जेड और जेड है, ये आपके सामने किया हुआ है, अच्छी तरह चेक कर लो। बाकी सभी अननेसेसरी चीजें हटा देता हूं मैं, गोले का समीकरण कितना है, x² + y² + z² + x + y + 2z - 3 + λ (x + y + 4z - 4) = 0। बिंदु किसमें से गुजरेगा, 2 और 2 1 से गुजरता है, लास्ट में काम आएगा, बिंदु 2 और 2 1 से इसमें से गुजार दोगे तो ये 4 + 4 + 1 + 2 + 2 + 2 - 3 + λ (2 + 2 + 4 - 4) = 0 है। ये बन जाएगा 4 और 4 8 2 10 2 12 4 16, तो 17 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 14 + λ (4) = 0, तो λ - -14/4 है, -7/2, ये लैम्डा का मान आप यहाँ पर पुट कर दो, ये अपना फाइनल आंसर होता है। और इस प्रकार से अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। पिछले वीडियो में यही कहा था कि आपके पास जितने भी 4-5 क्वेश्चन है सभी किताबों से, उनको मैं आपके सामने बोर्ड पर करवा दूंगा, जेपीएच है, नवकार है, सीबीएच बुक है, उन सभी के क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कंप्लीट हुए हैं। इनमें कोई भी आपको एचडब्ल्यू करने को नहीं दिया, केवल मात्र एक क्वेश्चन मैं एचडब्ल्यू करने को दे रहा हूँ जिसको इसी प्रकार से हल करना है, अगला क्वेश्चन उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि अंतिम पड़ाव की तरफ रहेगा। क्वेश्चन सेम यही है, बहुत इजी चैप्टर था ये, थर्ड सीक्वेंस को अच्छी तरह याद होना चाहिए, इसीलिए सभी तरह के क्वेश्चन आपके सामने करवाए थे। अब एकमात्र इसको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन इस प्रकार का है, क्वेश्चन है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात करो जो कि गोले x² + y² + z² + 3x - 6y + 4 = 0 को बिंदु 1, 2, 1 पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। एकमात्र प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, जिसमें भी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें भी हिंट दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करना कितना इंपॉर्टेंस है।
इसके क्या दो सबसे बड़े पॉजिटिवनेस ये आएगा, पहला तो ये कि ये बार बार क्वेश्चन वीडियो देखने पर इसका याद ही हो जाएंगे, बिना कोई पेन उठाए आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन देख करोगे तो आराम से हो जाएगा। और दूसरा ये कि एग्जाम में आते ही है किसी भी प्रकार से शंकु वाले को भी मिक्स होता है, ये कई बार देखा था तो इसमें भी कोई तरह की समस्या नहीं आएगी इस प्रकार के प्रश्न टिप्स पर करने के लिए। तो ये एच डब्ल्यू वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा, केवल हिंट दे रहा हूं, उसमें एक बिंदु एक दो तीन से गुजरने वाले उस गोले का, तो यहां पर तो लिख लो लास्ट, ये तो लास्ट में पुट किया जाता है, ठीक है। पहला तो ये समस्या खत्म कर लो, जो कि गोले इसको, तो इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूं, अपने को एक तो चाहिएगा गोला प्लस लंबा चाहिएगा समतल बराबर जीरो, ये अपना अंतिम समीकरण बनेगी। पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, अपने को क्या क्या चाहिएगा, पहला तो चाहिए गोला, गोले में प्लस का लैम्डा इंटू समतल बराबर जीरो वाले समीकरण में पुट करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे लैम्डा का मान निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो गोला चाहिए एक समतल चाहिए, तो गोला अपने पास दिया हुआ है और गोले से समतल निकालना, तो मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं गोले से समतल निकालना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस जेड जेड वन प्लस तीन एक्स प्लस एक्स वन बटा दो माइनस छह इंटू वाई प्लस वाई वन बटा दो प्लस का चार बराबर जीरो। ये आराम से चेक कर लो, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं, पूरा फॉर्मूला लिख दिया, इससे बढ़िया चीज क्या होगी, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन लिख रहा है, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, जेड जेड वन है, प्लस का तीन है, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बटा दो है, माइनस का छह वाई प्लस वाई वन बटा दो और प्लस चार बराबर जीरो है। कोई भी तरह का हल नहीं कर रहा मैं, इसमें क्या करना है एक दो एक बिंदु रखना है, रखोगे तो क्या आएगा समतल प्राप्त होगा, इस समतल का मान इस नंबर समीकरण में रख देना, रखने पर क्या आ जाएगा लैम्डा का मान आएगा, लैम्डा का मान आते ही अपन क्या कर देंगे उसका आंसर वापस उसमें रख देंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंट दे दिया, मैक्सिमम सॉल्व करवा दिया, आप लोग अच्छी तरह कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिख रहे हैं वो लिख लो। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसको मिटा देता हूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन ने इसको हल किया था। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अगला चैप्टर चल रहा है उसमें ही एक थोड़ा सा रिवीजन टाइम भी लेना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूंगा अभी से स्टार्ट कर दूंगा, पहले अगला चैप्टर का एक क्वेश्चन करा देता हूं और कल उसको अंतिम समापन समारोह करके और इसको हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। क्वेश्चन लिख लो सीधा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस आर स्क्वायर बराबर जीरो जेड बराबर जीरो से गुजरने वाले अन्य गोले एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर y बराबर जीरो को लंबी रूप में काटेगा, अंडरलाइन कर लो और हेडिंग डालो लंबित, ताकि सर हेडिंग भी यही डाल लो,
हेडिंग आपके दो गोलों की लंबित का प्रतिबंध। दो गोलों की लंबित का प्रतिबंध। प्रतिबंध हम क्या लेंगे, वो टू यू वन यू टू, टू वी वन वी टू, टू डब्लू वन डब्लू टू बराबर डी वन प्लस डी टू। फॉर्मूला है, कहीं भी किताब में देखोगे फॉर्मूला आपको एज इट इज लिखा हुआ मिलेगा, छपा हुआ मिलेगा, तो इसको अच्छी तरह देख लेना। यहां से रफ और फियर दोनों साथ चल रहे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और वाई बराबर जीरो, इसको वाई स्क्वायर बराबर जीरो स्क्वायर करके कर लेंगे, तो y बराबर जीरो है तो ये फर्स्ट प्लस लैम्डा, तो s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू वाई बराबर जीरो। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई माइनस आर स्क्वायर बराबर जीरो लिखा हुआ मिलेगा। पहला गोला तो इस प्रकार से निर्मित कर लो, दूसरा गोला थोड़ी देर में करेंगे, पहले ये अच्छी तरह चेक कर लो क्या क्या था, वाई स्क्वायर बराबर जीरो स्क्वायर कर देना, तो जीरो स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर रख देंगे। पहला ऊपर वाला ले लो, चलो ये ले लो दूसरा, ठीक है ना, दूसरे को न्यू से कर लेते हैं, पहले दूसरा लिख दिया, दूसरा ले लो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करोगे, मानक गोले से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्लू जेड बराबर जीरो आ जाएगा। इसमें माइनस यू का मान कितना है, जीरो है, माइनस बी का मान जीरो है, माइनस बी निकलेगा, तो ये यू से टू वी वाई की जगह कितना लिखा हुआ है, न्यू वाई लिखा हुआ है, दो डब्लू जेड की जगह जीरो है, आर स्क्वायर डी टू का मान कितना है, माइनस का आर स्क्वायर है, तो माइनस यू बराबर जीरो आ गया, अपने को यू चाहिए यू वन यू टू, ए बी का मान कितना आ गया, न्यू बटा दो है, डब्लू का मान जीरो है और डी टू का मान माइनस का आर स्क्वायर है। चेक कर लो, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, यू टू का मान जीरो आ गया, वी टू का मान न्यू बटा दो है, डब्लू टू का मान जीरो है और डी टू का मान माइनस का आर स्क्वायर है। रिवीजन को ज्यादा नहीं करवाऊंगा, जरा सा एक आधा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, लेकिन ये चैप्टर चलता रहेगा। पहला क्या है, एस वन की बात कर लेते हैं एक बार, तो एस वन का मान कितना है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का दो ए एक्स प्लस का आर स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू जेड है, तो इसको थोड़ा बिखेर कर क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दोगे, एस वन का मान माइनस टू एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस का लैम्डा इंटू जेड बराबर जीरो, तो अपना समीकरण क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो ए एक्स प्लस का लैम्डा जेड प्लस आर स्क्वायर बराबर जीरो है। तुलना कर लो, टू यू एक्स की जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस का दो ए एक्स, टू वी वाई की जगह कितना लिखा हुआ है जीरो, टू डब्लू जेड की जगह लैम्डा जेड और d1 की जगह r स्क्वायर है, तो u का मान कितना आ गया, माइनस का a
v का मान 0 है और w का मान कितना है लैम्डा बटे 2 है और d1 का मान कितना है r स्क्वायर है, तो इसको कर दो 111 मानक समीकरण से तुलना करोगे तो 2ux की जगह माइनस का 2ax लिखा हुआ, 2vy की जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 0 आ जाएगा, 2wz की जगह लैम्डा z लिखा हुआ, d1 का मान कितना r स्क्वायर है तो इनको भी 111 कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो, ये ऊपर रख देता हूं मैं। यहां पर कितना आएगा, u1 बराबर माइनस का a, v1 बराबर 0 है, w1 बराबर है लैम्डा बटे 2 और d1 बराबर है r स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपने पास ये दोनों मानों से समीकरण आ जाएगी। आगे का स्टेप क्या, लंबितता का प्रतिबंध लगाना, फॉर्मूला लगाना, इसमें वैल्यू रखनी, अगर सेटिस्फाई होता है तो ये दोनों गोले आपस में लंबित रूप में काटेंगे, अन्यथा नहीं काटेंगे। तो हम जानते हैं कि दो गोलों के परस्पर लंबित रूप में काटने का प्रतिबंध होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2u1u2 + 2v1v2 + 2w1w2 = d1 + d2। वैल्यू रख दो, इसमें 2 है 0 आ जाएगा, u1 plus u2 2 है, v1 और v2 का मान 0 है, 2 है, w1 और w2 का मान 0 है, r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर आ जाएगा, हल करोगे तो 0 बराबर 0 है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि दो जो गोले हमें दिए हुए थे ये हमेशा क्या करेंगे, लंबित रूप में काटेंगे। ये लंबितता की शर्त भी है और लंबितता का फॉर्मूला भी है, इसमें दो तीन पॉइंट, ये पहला पॉइंट एकमात्र फॉर्मूला है जो अपने अंत में बचा हुआ है, इसलिए मैं कहा था भूलने का ये लास्ट वीडियो है। अगले वीडियो में तो यही क्वेश्चन एक आधा और करेंगे, और जो भी साथ में दिया हुआ है रिवीजन, कम से कम भी 4 प्रश्नों का थोड़ा सा रिवीजन, एक आर्टिकल हो गया, ये थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज हटा देता हूं, ये तो आपके सामने है ही, हल किया हुआ। 2u1u2 में वैल्यू पुट करनी है, पहला तो इसके अंदर क्या आ जाएगा गोले के प्रकार, क्या दो प्रकार का होता है वो बता दूंगा। उसके बाद पहला क्वेश्चन है आपके ये टेट्राहेड्रॉन चतुष्फलक द्वारा निर्मित गोले का समीकरण निकाल लेंगे मूल बिंदु से, और ये 4 के स्क्वायर वाला आंसर है वो चेक कर लेना, वो बता दूंगा। और लास्ट में आपके जाते हुए 1/a² + 1/b² वाला एक क्वेश्चन कराया था, उसका आंसर आता है 2/k². इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, ये चारों रिवाइज करके कल इसको समाप्त कर देंगे हमेशा के लिए। तो वीडियो को बार बार देख के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेना, ये करने नहीं है, याद ही करने, ये सभी आते ही हैं। धन्यवाद।